आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन FIR एंड कंप्लेन, यानी FIR और शिकायत में क्या अंतर होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पहले बात करते हैं FIR की। किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की पहली सूचना को FIR या प्रथम सूचना प्रत्यावेदन या फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। FIR को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, केवल इसका प्रोविजन CRPC के सेक्शन 154 में दिया गया है। FIR को पुलिस के पास लिखाया जाता है। FIR मौखिक भी दी जा सकती है और लिखित भी। अगर FIR मौखिक दी गई है तो थाने का भार साधक अधिकारी उसे लिखेगा और लिखकर उस व्यक्ति को सुनाएगा और उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर कराएगा। इसके बाद FIR रजिस्टर में उसकी नकल करके लिखेगा। FIR लिखने के बाद पुलिस अधिकारी इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिसके लिए उसे कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। आपको बताते चलूं कि FIR पुलिस अधिकारी केवल संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना पर ही लिखेगा, यानी कि जब कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो उसकी पहली सूचना को ही FIR कहते हैं। अब बात करते हैं कंप्लेंट की, जिसे हिंदी में शिकायत और उर्दू में परिवाद कहते हैं। इसको CRPC के सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है और कंप्लेंट का प्रोविजन सेक्शन 200 CRPC में दिया गया है। कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। ये लिखित या मौखिक हो सकती है। मजिस्ट्रेट इस कंप्लेंट पर इंक्वायरी कराएगा। ये इंक्वायरी मजिस्ट्रेट खुद भी कर सकता है या फिर पुलिस को भी इसके लिए कह सकता है। कंप्लेंट संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों प्रकार के अपराधों में की जा सकती है। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध जिनकी गंभीरता अधिक होती है संज्ञेय अपराध कहलाते हैं, जैसे किसी की मृत्यु कारित करना, और जिन अपराधों की गंभीरता कम होती है उन्हें असंज्ञेय अपराध कहते हैं, जैसे किसी पर हमला करना। तो दोस्तों कंप्लेन और FIR में मुख्य अंतर यह होता है कि FIR पुलिस थाने में रजिस्टर्ड होती है और वहीं पर कंप्लेन मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, जबकि कंप्लेन में इंक्वायरी की जाती है। FIR संज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है, जबकि कंप्लेन संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों प्रकार के अपराधों में कराई जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको उचित जानकारी मिली होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इस जानकारी को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।